हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबका टॉपर। टुडे वी विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट और सिंपली सेइंग काउंटर करंट मैकेनिज्म फ्रॉम योर चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, इससे पहले हमने क्या टॉपिक पढ़ा था, एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे। हमने इससे पहले डिफरेंट ट्यूब्स को देखा था जो हमारे नेफ्रॉन में हैं, PCT, लूप ऑफ हेनले, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें हमने देखा था कि जो DCT है यानी डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल और जो कलेक्टिंग डक्ट है, इनका फंक्शन जो है वो कंडीशनल है। मतलब वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कितना वाटर है, क्या आयनिक कंसंट्रेशन है, उस पर डिपेंड करता है। ये चीज़ हमने देखी थी। लेकिन जो PCT और लूप ऑफ हेनले का जो फंक्शन हमने देखा था, ये कंडीशनल नहीं है। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये होती ही हैं। हमने NAK पंप के बारे में भी पढ़ा था कि एक एक्टिव मैकेनिज्म है NAK पंप। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और हम काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। काउंटर करंट मैकेनिज्म बेसिकली यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने का वर्क करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि काउंटर करंट होता क्या है। काउंटर करंट का मतलब ये होता है कोई भी दो डक्ट या दो पाइप, आप समझ लो सिंपली, अगर वो दो पाइप में फ्लो लिक्विड का ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको हम काउंटर करंट कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम को देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम इस डायग्राम को देख सकते हैं, अभी आगे भी एक डायग्राम आएगा, हम उसको भी देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं वासा रेक्टा, जैसे है वासा रेक्टा, इसमें आपको नहीं दिखाई गई है। हम यहाँ पे सपोज लूप ऑफ हेनले को देखते हैं, तो अगर हम लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्प और असेंडिंग लिम्प को देखें, तो डिसेंडिंग लिम्प में जो फ्लो है और असेंडिंग लिम्ब में जो फ्लो है वो दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसी को काउंटर करंट, यहाँ पर एक काउंटर करंट जनरेट हो रहा, तो इसका मैकेनिज्म हमारे नेफ्रॉन में प्रेजेंट है। और इसका जो बेसिक फंक्शन है, बेसिक वर्क है, वो मैंने आपको बता दिया कि यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना जो है वो इस मैकेनिज्म का बेसिक फंक्शन है। सो लेट्स स्टार्ट। मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड यूरिन। मैमल्स आपको याद होगा, हमने पढ़ा हुआ है वर्टिब्रेटा के अंदर मैमल्स आते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। अब मैंने आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में बिगनिंग में बताई थी कि कंसनट्रेटेड यूरिन क्यों हम प्रोड्यूस करते हैं, या अगर हम देखें तो बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये और भी ज़्यादा कंसनट्रेटेड, बिल्कुल पेस्ट लाइक इनका जो एक्सक्रीटा है वो होता है, ऐसा क्यों होता है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की थी, मैंने आपको बताया था कि अमोनोटेलिक होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं और उसके साथ ही साथ यूरियोटेलिक होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आई होप कि आपको ये याद है, उसी से आप समझ पाओगे कि हम क्यों कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। उसके पीछे ये बेसिक रीज़न होता है कि हमारी बॉडी इतना यूरिन, जितना हमने पढ़ा था फिल्ट्रेट में आता है 180 लीटर पर डे, लेकिन इतना हम यूरिन में पास आउट नहीं कर सकते, अपनी बॉडी से सेक्रीट नहीं कर सकते हमारी बॉडी में, क्योंकि हम टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, हम एक्वाटिक नहीं हैं, हमारे पास इतना वाटर नहीं है। इसीलिए हम कंसनट्रेटेड यूरिन, यानी कि यूरिन में वाटर का एब्जॉर्प्शन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ बहुत सारे आयन्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं। ग्लूकोज, मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में कि ग्लूकोज 100% हमारी बॉडी से निकलना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, फॉर श्योर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 100% ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन बॉडी में होता है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको डायबिटीज मेलिटस हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि ग्लूकोज है और भी कुछ चीज़ें जो 100% हमारी बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। द हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। अब मैंने आपको ये एक चीज़ यहाँ पर बताई थी, हेनलेज लूप मैंने आपको दिखाया था कि हेनलेज लूप क्या है, मैंने आपको बताया था हेनलेज लूप ऊपर दिखाया था, और वासा रेक्टा भी हम नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। वासा रेक्टा मैंने आपको बताया था कि जो हमारी एफरेंट आर्टेरियोल होती है वो कैपिलरीज में डिवाइड होती है, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, उसके नीचे बोमन्स कैप्सूल होता है। आई होप कि आपको ये डायग्राम याद है। और यही एफरेंट आर्टेरियोल जो है, जो कैपिलरीज में डिवाइड होती है, यहाँ पर देख सकते हो, जो ये एफरेंट आर्टेरियोल जो कैपिलरीज में डिवाइड होती है, फिर इफरेंट आर्टेरियोल बनती है। और ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एफरेंट आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्टेरियोल, ऐसा इसीलिए होता है। अभी कैपिलरीज में, इतनी सारी कैपिलरीज में, हम पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज कहते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो किडनी में ब्लड आ रहा है उसके दो फंक्शन हैं, एक फंक्शन नहीं है, यूरिन प्रोड्यूस करना या हम कह सकते हैं ब्लड को फिल्टर करना, ये फंक्शन तो है ही, साथ ही साथ में उसका एक और फंक्शन है, वो फंक्शन ये है कि
किडनी के ऑर्गन्स जो है, मीन्स ये जो ऑर्गन है हमारा किडनी, इसके जितने भी सेल्स एंड टिश्यूज़ हैं उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना भी इसका फंक्शन है। इसीलिए यहाँ पर एक कैपिलरीज में ब्रांच आउट होती है। आई होप कि आपको याद है कि कैपिलरीज मतलब एक्सचेंज होगा वहाँ पर। तो यहाँ पर अगर कैपिलरीज हैं, इट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सचेंज होगा। तो ये जो कैपिलरीज हैं, एक तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती हैं। बिल्कुल याद रखेंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड नहीं। उसको हम इम्प्योर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें इम्प्यूरिटीज़ हैं, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया है, इसीलिए हम उसको इम्प्योर कह रहे हैं। इसलिए नहीं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है या वो डीऑक्सीजनेटेड है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लिवर से, हार्ट से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपकी यूरिया साइकिल में भी आता है ये, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वासा रेक्टा किस तरीके से। अब आप देखो वासा रेक्टा में क्या होता है, वासा जहाँ पे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल आपको दिख रहा है, इट मीन्स कि नीचे की ओर वहाँ पर लिक्विड फ्लो है, वहाँ पर वासा रेक्टा का ऊपर की ओर लिक्विड फ्लो है। क्योंकि आप यहाँ से देखोगे ना इसको, जहाँ पे इफ्रंट आर्टेरियोल है, आप यहाँ से देखोगे तो इट मीन्स पहले डाउन फ्लो है। तो जहाँ पे डाउन फ्लो वासा रेक्टा का हो रहा है, वहाँ पे हेनलेज लूप का ऊपर की ओर फ्लो है, असेंडिंग लिम्ब है वो। तो ये चीज़ आपको यहाँ समझनी है, जहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब है हेनलेज लूप की, वहाँ पर वासा रेक्टा का असेंडिंग पोर्शन है। तो यहाँ पर एक काउंटर करंट हो रहा है, यही मैंने आपको बताया था। आपको यहाँ पर थ्री ऐसे काउंटर करंट देखने को मिलेंगे। ये तो आप एक काउंटर करंट याद रख सकते हो। उसके बाद आप अपने लूप ऑफ हेनली, जो लूप ऑफ हेनले है, इसका भी दो काउंटर करंट हम याद, एक काउंटर करंट हम याद रखते हैं कि जहाँ पर लूप ऑफ हेनले का एक साइड असेंडिंग पोर्शन में है तो दूसरा साइड डिसेंडिंग पोर्शन में। और ये पास, बहुत पास होते हैं। ये फिगर आपको जो है क्लैरिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए इस तरीके से दिखाया गया है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनलेज लूप इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म्स अ काउंटर करंट। ये मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पर भी ऑपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो होगा फिल्ट्रेट का, फिल्ट्रेट तब तक कहेंगे जब तक वो कलेक्टिंग डक्ट में नहीं जाता, उसके बाद उसको यूरिन कहते हैं, उससे पहले वो फिल्ट्रेट कहलाता है। एंड दस फॉर्म्स अ काउंटर करंट। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो इन अ काउंटर करंट पैटर्न। ये मैंने आपको बता दिया सेकेंड, है ना, कि जो फ्लो है वासा रेक्टा में वो भी काउंटर करंट है। आपको ये भी याद रखना है, वासा रेक्टा में भी तो ऐसा ही है। वासा रेक्टा को ही अगर हम लेते हैं सिर्फ, उस कैपिलरी को, तो वहाँ पर भी आप देखोगे कि एक तरफ उसका असेंडिंग, मतलब यू शेप्ड है ना, तो एक तरफ असेंडिंग तो एक तरफ डिसेंडिंग, तो वो सेकेंड हो गया आपका। द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, दैट इज फ्रॉम 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर इन द कॉर्टेक्स टू अबाउट 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर इन द इनर मेड्यूला। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। एक्चुअली होता क्या है कि सपोज हम यहाँ देखेंगे ना, तो हमारे ब्लड में एक ऑस्मोलैरिटी मेंटेन है, वो ऑस्मोलैरिटी है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब होता क्या है कि यही ब्लड, सेम ब्लड आ रहा है कैपिलरीज में, यहाँ पर जैसे आता ही है, मैं आपको पता है डिफरेंट आर्टेरियोल से आता है। तो कैपिलरीज जो होती हैं वो उससे कंप्लीट ब्लड जो है वो उसी ऑस्मोलैरिटी के साथ 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर के साथ जो है वुमेन्स कैप्सूल में आता है। क्योंकि हमारी कैपिलरीज जो है वो फ्रीली पोमिएबल होती हैं वाटर एंड लाइन्स के लिए, तो यहाँ पर इस तरह से 300 मिली ऑस्मोल पर आता है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। एक्चुअली आप यहाँ जब देखोगे तो आप यहाँ एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि 300, फिर 400, फिर 600, 800, 1000 एंड 1200 मैक्सिमम है। जो बिल्कुल नीचे रहता है, जो एकदम एंड पार्ट है, वहाँ पर 300 रहता है। यहाँ जहाँ पर यू शेप बनती है वहाँ पर 1200 रहता है, दैट इज़ द मैक्सिमम। और ये बढ़ क्यों रहा है इस पैटर्न में, इसी पैटर्न में बढ़ता है 300, 400, 500, 600, 700, ऐसे कर करके 1200 तक पहुंचता है। ये एक्चुअली इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो ये थिक सेगमेंट है आपका, ये पोर्शन डीसीटी का जो थिक सेगमेंट है, इसमें एनए के पंप प्रेजेंट है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब एक बेबी होता है तो उसके पास तो ऐसी कोई ऑस्मोलैरिटी पहले से है नहीं। अभी आप इसको डिस्कस हम करेंगे तो आपको देखोगे इस चीज़ को कि इस ऑस्मोलैरिटी के कारण क्या क्या होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले वाटर रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है, मेड्यूलरी पिरामिड में, उसके बाद आयंस भी रिलीज़ हो जाएंगे मेड्यूलरी पिरामिड में। तो ये एक तरीका है कि किस तरीके से आप देखोगे रीअब्सॉर्प्शन ईजिली हो जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि एन ए के पंप प्रेजेंट है, मतलब यहाँ से तो होगा ही एन ए और के का जो है वो
एक्सचेंज जो है यहाँ पे होगा ही होगा। तो होता क्या है कि जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसमें पहले ऐसी ऑस्मोलारिटी नहीं होती 300, 600, 900, 1200 वाली, तो सिंपली सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन जब वो उस रीजन में पहुँचता है थिक सेगमेंट पर, तो क्या होता है एक्चुअली एन ए के पम्प के कारण जो है आयन्स बाहर आने लगते हैं। डेफिनेटली एन ए के पम्प आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ये एक पम्प है जिससे एन ए बाहर आता है और के अंदर जाता है, इस तरीके की एक्सचेंज का पंप है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आयन्स बाहर आने लगते हैं। तो एक टाइम आता है जब सपोज़ आप मान लो 450 के आसपास बाहर की ऑस्मोलारिटी हो गई, अंदर 300 है। इसी तरह से होता रहता है क्योंकि यहाँ पर क्या एक्टिव है ना, यहाँ पर तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी है तो हो रहा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जहाँ पर एक तरह से मशीन है, मैकेनिज्म है, वहाँ पर होगा ही होगा। तो न्यू बॉर्न बेबी में ऐसा ही होता है। तो कुछ टाइम तक होने के बाद इसको काउंटर करंट मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। एक्चुअली मैं आपको ये इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आपको ये नहीं पता चलेगा तो आप इसको नहीं समझ पाओगे। तो उसके बाद धीरे धीरे 600 हो गया, फिर ऐसी सेकंड टाइम 600 मान लो, थर्ड टाइम कुछ हुआ, अल्टीमेटली वो 1200 हो जाता है ऑस्मोलैरिटी। यहाँ पे जो आप लास्ट में यहाँ देख सकते हो 1200 हो जाती है ऑस्मोलैरिटी। यहाँ की ऑस्मोलैरिटी का मतलब ये है कि वाटर कब कॉन्सेंट्रेटेड होगा। वाटर को कॉन्सेंट्रेट करने के दो तरीके हैं, या तो आप उसमें से जो वाटर और आयन्स हैं उसमें आयन्स बढ़ा दो, या तो फिर आप उसमें से वाटर को निकाल लो। दोनों तरीके हैं कि आप उसको कैसे कॉन्सेंट्रेट करोगे, यूरिन को कैसे कॉन्सेंट्रेट करोगे, फिल्ट्रेट को कैसे कॉन्सेंट्रेट, या तो आप वाटर निकाल लोगे या आप आयन्स उसमें और ऐड कर दोगे। द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन, अब आपको ये समझ आएगा, द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलीज लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन दैम हेल्प इन मेंटेनिंग, मेंटेन करते हैं इस तरह से ऑस्मोलैरिटी को और इंक्रीज। ऑस्मोलैरिटी का मीनिंग यही है कि वाटर और आयन की जो कंसनट्रेशन है ओवरऑल, उसको आप ऑस्मोलैरिटी समझ सकते हो। टुवर्ड्स द इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम मेड्यूलरी पिरामिड है ये, बिकॉज ये कहाँ पर होगा, जहाँ पर हमारा मेड्यूला होगा। ये हमने पहले ही देख लिया, किडनी में मेड्यूला होता है उसके वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स होता है उसके ऊपर, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये पोर्शन नीचे का है लूप ऑफ हेनले है, ये कम्प्लीटली मेड्यूला में जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो मेड्यूला में नहीं जाते, उसे हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। वो यहाँ पर अभी इस उस तरह से हम उसे वो नहीं करेंगे, डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। अभी हमें सिंपली समझना है कि जहाँ, क्योंकि पार्ट तो जाएगा ही जाएगा ना, ऐसा नहीं कह सकते कि वो कम्प्लीटली कॉर्टेक्स में रहता है, थोड़ा थोड़ा पार्ट जाता है। वो डिपेंड करता है कि वो कॉर्टिकल है या जक्स्ट्रा मेड्यूलर है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना नीचे जाएगा। तो ये 1200 यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर आप याद रखो 300 मिली ऑस्मोल होता है, और फाइनली कॉर्टेक्स में 300 मिली ऑस्मोल क्यों हुआ, क्योंकि बाहर से जो ब्लड आ रहा है वही 300 मिली ऑस्मोल उसकी ऑस्मोलैरिटी है, और 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर जो है उसकी फाइनल वो होती है इन द इनर मेड्यूला। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है कि NaCl और यूरिया के कारण ये ग्रेडियंट जो है बनता है। ग्रेडियंट मीन्स डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन जो बन रहा है, 300 टू 1200 के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसके कारण आयन, इसके कारण वाटर का एक्सचेंज होगा अभी जब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये ग्रेडियंट बेसिकली NaCl एक सॉल्ट है, और इसके कारण यहाँ पर आयन्स का हम देखेंगे, बहुत सारे आयन्स होते हैं और यूरिया भी होता है। यूरिया रिसाइकलिंग भी इसमें एक टॉपिक है, आई डोंट नो कि इसमें प्रोवाइडेड है या नहीं बुक में, पर ये यूरिया के यूरिया रिसाइकलिंग भी एक छोटा सा टॉपिक है, उसके कारण भी ये चीज़ होती है। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग निम्प ऑफ हेनलेज लूप विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग निम्प ऑफ वासा रेक्टा। तो NaCl जो है इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग निम्प ऑफ हेनलेज लूप विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग निम्प ऑफ वासा रेक्टा। इसको हम कैसे समझेंगे, जो यूरिया रिसाइकलिंग है वो आई थिंक आपको आगे दी हुई है, बट मेंशन नहीं किया हुआ आई होप, तो मैं इसे कंसीडर नहीं कर सकती कि मेंशन है या नहीं, बट जो भी है मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगी जितना प्रोवाइडेड होगा आपकी बुक में। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो NaCl है इसको असेंडिंग लिम्प ऑफ हेनले, अब यहाँ पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फिर उसको हम पढ़ेंगे। पहले एक चीज़ मुझे यहाँ पर डिस्कस करनी है, वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली में। एफरेंट आर्टेरियोल है, ग्लोमेरुला से एफरेंट आर्टेरियोल 300 एमिली ऑस्मोल गया, फिर यहाँ 400 के बाद हम देख रहे हो वाटर बाहर जा रहा है, और ये कौन सा रीजन है, इट इज़ द डिसेंडिंग लिम्ब, ये डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनलेक। तो यहाँ पर क्या बताएं, याद रखेंगे हम कि डिसेंडिंग लिम्ब जो है इट इज़ परमिएबल टू वाटर एंड इम्पर्मिएबल टू आयन्स, मीन्स यहाँ से वाटर निकलेगा। एक चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ पर भी आयन्स होंगे वहाँ वाटर जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना कि आयन्स और वाटर साथ में रहते हैं, ठीक है। तो डिसेंडिंग लिम्प इज परमिएबल टू वाटर एंड इम्पर्मिएबल टू आयन्स, मतलब ये जो रीजन है ये वाटर के लिए क्या है, परमिएबल है। परमिएबल मतलब इजीली वाटर पास करेगा, तो यहाँ से वाटर इजीली आउट चला जाता है, पास हो जाता है। यहाँ से हम ध्यान देंगे, यहाँ से देखेंगे कि रीजन अभी नहीं देखेंगे, यहाँ दिख रहे हैं 400 से वाटर बाहर चला गया सिंपली,
आपको इसके लेफ्ट साइड का नहीं देखना है, अभी आप सिर्फ यहाँ से देखो ग्लोमेरुलस 300 400 वाटर बाहर गया, क्योंकि क्या है परमिएबिलिटी टू वाटर है। उसके बाद 600 800 यहाँ भी वाटर, वाटर क्यों बाहर जा रहा होगा ये चीज़ समझनी है। वाटर इसीलिए बाहर जा रहा है क्योंकि जब वाटर ने 400 देखा तो वाटर ने आगे क्या देखा कि 900 मिली ऑस्मोल है या ज़्यादा ऑस्मोल है, तो उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्या होगा, हम देख सकते हैं कि जो फिल्ट्रेट है वो कॉन्सेंट्रेट होगा, क्यों, क्योंकि आयन्स तो 400 600 800 हो रहे हैं, वाटर निकल रहा है। वाटर क्यों निकल रहा है मैंने आपको बता दिया, आयनिक डिफरेंस है यहाँ पर 900 मिली ऑस्मोल है, तो वाटर यहाँ पर उस कारण से निकलेगा, जहाँ आयन्स होंगे उधर वाटर जाएगा। तो 600 800 1000 1200, यहाँ पर 1200 आ गया। अब यहाँ तक तो ये हमने देख लिया कि परमिएबल है वाटर के लिए और इम्परमिएबल टू आयन्स है। इम्परमिएबल टू आयन्स का मतलब कि आयन्स एंटर नहीं करेंगे इसमें, ये चीज़ समझने वाली है कि इसमें वही चीज़ें एंटर करेंगी जो चीज़ें हमें आउट करनी है बॉडी से, जो चीज़ हमारी बॉडी को नहीं रिक्वायर है, हार्मफुल है, ठीक है। तो आयन्स इसमें एंटर नहीं करते। उसके बाद हमारे पास असेंडिंग लिम्ब आती है, ये हमारी असेंडिंग लिम्ब है, इसके थिन और थिक दो सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये असेंडिंग लिम्ब है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो असेंडिंग लिम्ब है इट इज़ पॉमिएबल टू आयन्स एंड इम्पॉमिएबल टू वाटर। अभी इस बात को हम कैसे समझेंगे, मीन्स ये जो पार्ट है दैट इज़ पॉमिएबल टू आयन्स, मतलब यहाँ से आयन्स का एक्सचेंज होगा लेकिन इम्पॉमिएबल टू वाटर, तो वाटर का एक्सचेंज यहाँ से नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ समझनी है बहुत इंपॉर्टेंट, कि वाटर हमने क्या करा, डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर को बाहर कर लिया, हमें वाटर यूरिन में ज़्यादा करना ही नहीं है, हमें तो कॉन्सेंट्रेट करना है ना, इसीलिए तो हम काउंटर करेंट मैकेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमें यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना है। हम मैमल्स हैं, हम इतना ज़्यादा यूरिन बाहर नहीं कर सकते अपनी बॉडी से क्योंकि हम एक्वाटिक नहीं है। तो असेंडिंग लिम्ब इज पॉमिएबल का मतलब है कि यहाँ से अब आयन्स का एक्सचेंज होगा लेकिन वाटर का एक्सचेंज नहीं होगा, यानी कि जो वाटर बाहर चला गया वो वाटर अब अंदर नहीं आएगा। वाटर बाहर क्यों गया, क्योंकि मैंने बताया वो ग्रेडियंट है ऑस्मोलारिटी में, इसी कारण से वाटर बाहर जा रहा है, डिफरेंस है ऑस्मोलारिटी में, है ना। जहाँ पे वाटर 300 था तो वाटर देख रहा, वाटर देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो आप, यहाँ से 300 to 400 क्यों हो रहा होगा, 400 to 600 इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर वाटर बाहर जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, इसलिए 400 600 800 1000 1200 हो रहा है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर, इसीलिए ये आपको ऐसे मैंने बताया ऑस्मोलारिटी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन से लोगे आप आयन्स के, ठीक है। तो वाटर बाहर गया, वाटर बाहर गया क्योंकि बाहर पे भी उसी तरह से जो मिड्यूला है मैंने बताया था उसका ऑस्मोलारिटी में ग्रेडियंट है, इसी कारण से वाटर बाहर जा रहा है। अब 1200 हो गया इस मिड्यूलरी पिरामिड की ऑस्मोलारिटी के कारण, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है अभी 900 हो रहा है, 600 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बताया मैंने आपको कि इट इज़ परमिएबल टू आयन्स। अब यहाँ आयन्स का एक्सचेंज होगा लेकिन वाटर का नहीं होगा, तो अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, घट क्यों रहा होगा, क्योंकि अब आयन्स बाहर जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आयन्स परमिएबल है, बाहर वाटर बहुत ज़्यादा हो गया, तो बाहर जहाँ वाटर होगा वहीं आयन्स जाएंगे, जहाँ आयन्स होंगे वहीं वाटर जाएंगे, तो वाटर जो आयन्स है वो अपने आप बाहर जा रहे हैं। तो होता क्या है कि थिन सेगमेंट जो है उसमें पैसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयन्स होता है, यानी कि ये जहाँ पर आप 900 और 600 देख सकते हो, इस रीजन में पैसिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है आयन्स का, मतलब आयन्स अपने आप बाहर जा रहे हैं क्योंकि वाटर बाहर ज़्यादा है, इसी कारण से अपने ग्रेडियंट को मेनटेन कर रहे हैं, ऑस्मोलारिटी को मेनटेन करने के लिए। तो ये अपने आप से थिन सेगमेंट जो है वो पैसिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है आयन्स का। लेकिन इतना ही नहीं, नेचर ने क्या किया कि पैसिव रीअब्जॉर्प्शन तो ठीक है थिन सेगमेंट में हो रहा है, लेकिन थिक सेगमेंट जो है, ये पार्ट जो है जहाँ पे आपको NaCl लिखा हुआ दिखा रहा है, तो ये जो पार्ट है यहाँ पर पंप लगा दिया, NaK पंप जो मैंने आपको बताया था। ये जो पंप है, ये पंप आई होप कि आपने प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करा होगा, जो सेल वाला चैप्टर है उसमें आपको ये पंप पढ़ना है, जहाँ पे एक्टिव और पैसिव के बारे में बताया जाएगा कि कैसे ट्रांसपोर्ट एक्टिव पैसिव होता है, कुछ पंप्स होते हैं, चैनल्स होते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पर वो डिस्कस हो जाएगा। यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ये पंप है और इस पंप के मतलब ये है कि यहाँ पर एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होगा आयन्स का, यानी कि एनर्जी का यूज़ होगा फिर रीअब्जॉर्प्शन होगा आयन्स का थिक सेगमेंट पर। तो यहाँ पर मतलब जो चीज़ ईजिली हो रही थी, धीरे धीरे हो रही थी, स्लोली हो रही थी, पैसिवली हो रही थी, उसको अब एक्टिवली बॉडी कर रही है, क्योंकि रिक्वायर्ड है ना, हम इतना ज़्यादा जो है आयन्स और ये सारी चीज़ों को अपनी बॉडी से नहीं हटा सकते, हमें रिक्वायर्ड है करना, हम सिर्फ उतने को ही हटाएंगे जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो इस तरह से यहाँ पे NaCl वगैरह हट रहा है। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्यों घट रही है, आयन्स निकल रहे, सिंपल सी बात है, आयन्स थे। अगर वाटर, अगर आप इसको सिंपली भी समझ सकते हो, वाटर है उसमें बहुत ज़्यादा शुगर है अगर मिला रखी तो वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, या केमिस्ट्री में भी आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग और कॉन्सेंट्रेटेड,
या हम कहते हैं डाइल्यूट, तो इसका क्या मतलब है? कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जिसमें वाटर कंटेंट कम है और जो चीज़ हमें चाहिए वो ज़्यादा है। अगर वाटर है और शुगर है, शुगर ज़्यादा है तो उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं, शुगर कम है तो उसको हम डाइल्यूट कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है ना कि बाहर क्या हुआ, अब ये क्यों कम हो रहा है यहाँ पर, 900, 600, 400, 300 इसीलिए कम हो रहा है क्योंकि अब आयन्स कम है। जितना वाटर है उस पर अगर हम आयन्स को देखें तो अब कम हो गए आयन्स, बाहर चले गए आयन्स, बिकॉज बाहर वाटर ज़्यादा था। और वाटर और आयन्स क्या है, एक साथ रहने वाली चीज़ है, ये आपको समझना था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। 300, 200, अब यहाँ पे NaCl बाहर चला गया, फिर वाटर भी बाहर जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है इसको समझो, ये DCT का पोर्शन है। यहाँ पर क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर कंडीशनल है, तो कंडीशनल है आपके बॉडी में किस तरह से वाटर प्रेजेंट हो उस तरीके से यहाँ पर वाटर और NaCl का जो है एक्सचेंज होता है। और फिर उसी तरीके से जो हमने आउटर मेड्यूला इनर मेड्यूला के बाद ये जो आपका कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पर बताया गया है, इसमें भी जो वाटर है वो इसी तरह से, और यहाँ पे ही यूरिया का बता रखा है आपको कि ये यूरिया यहाँ से रिलीज़ हो रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा यूरिया रिसाइकलिंग यहाँ पे बता रही हूँ किस तरीके से होता है। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत ज़्यादा यूरिया हमारी बॉडी से रिलीज़ होता है, लेकिन हमें थोड़ा यूरिया चाहिए जो हमारी बॉडी की ऑस्मोलारिटी को मेंटेन करे। ये चैप्टर के बिगनिंग में एक स्टेटमेंट थी, मैंने आपको बताई थी प्रीवियस वीडियो में। तो यूरिया यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट जो है ना वो परमिएबल टू यूरिया है, बाकी पूरी जगह नहीं है परमिएबिलिटी, पर यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट है जहाँ से यूरिया निकल सकता है। तो यहाँ से यूरिया बहुत ज़्यादा निकलता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, बाहर यूरिया है ही नहीं और अंदर बहुत ज़्यादा यूरिया हो गया है, तो यहाँ से यूरिया बाहर निकलता है। ये यूरिया रिसाइकिलिंग है, ये हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी, क्योंकि हमने पढ़ा ना NaCl एंड यूरिया दोनों ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हैं। तो NaCl का तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर Na के पंप है और NaCl हमने बाहर निकाल लिया, वैसे भी हमें पता है कि आयनिक बैलेंस बनाना बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यूरिया के बारे में भी इसी तरह से समझना है। तो यहाँ पर यूरिया थोड़ा सा निकल जाता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी परमिएबिलिटी, थोड़े से स्पेस में परमिएबिलिटी है, तो यहाँ से जितना भी यूरिया हो सकता है हमारी बॉडी का निकलता है कलेक्टिंग डक्ट से। और अब क्या होगा, ये यूरिया निकलता है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये यूरिया इस मेड्यूला में रहे, ये पॉसिबल नहीं है, हम ऐसे मेड्यूला में यूरिया नहीं रख सकते। तो हम क्या करते हैं, इस यूरिया को ऐसे बाहर निकालते हैं, और यहीं पर जहाँ पे ये यूरिया लिखा है उसी के आगे थोड़ा सा जो पार्ट है वो फिर से परमिएबल होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये परमिएबल था तो जब ये जा रहा था कलेक्टिंग डक्ट में उसी समय क्यों नहीं निकल गया यूरिया? तो उस समय इसलिए नहीं निकला क्योंकि उस समय उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं था, इसीलिए। तो अब तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट था इसलिए निकला, और फिर जब निकल गया तो यहाँ पे परमिएबल होने के कारण फिर यहाँ एंटर कर जाता है। तो यूरिया इसी तरीके से चलता रहता है, यहाँ से निकला फिर इसमें एंटर कर गया लूप ऑफ हेनले में, फिर वापस यहाँ आया, तो वही सेम यूरिया नहीं, वही सेम मॉलिक्यूल्स नहीं, तो ये मॉलिक्यूल्स चेंज होते रहते हैं, पर ये इसीलिए हो रहा है ताकि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे। आई होप इट इज़ क्लियर। अब इसको हम रीड कर लेंगे। NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टेशन बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा, ये मैंने आपको बता दिया, वासा रेक्टा ही हम स्टडी कर रहे थे, वासा रेक्टा का जो असेंडिंग पोर्शन है उसमें से NaCl जो है रिटर्न करती है। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिंप ऑफ हेनलेज लूप विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टेशन बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यहाँ पे ये समझना है, पहले मैं आपको बताऊंगी, देखो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से यूरिया को ट्रांसपोर्ट बैक किया गया, जो मैंने अभी आपको बताया यूरिया रिसाइकलिंग का। उसके बाद बताया गया है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यहाँ भी बताया मैंने, यूरिया यहाँ से परमिएबल था, थोड़ा सा निकला और यहाँ आ गया। द अबव डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फैसिलिटेटेड बाय स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनलेज रूप एंड वासा रेक्टा, ये दोनों इन्वॉल्व है इसमें, इसे हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मैंने ये बताया आपको, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए ही है और ऑस्मोलारिटी के लिए है, इन द मेड्यूलरी इंटरस्टिशन, जो मेड्यूलरी इंटरस्टिशन है उसमें। और ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि 1200 मिली ऑस्मोल की जो ऑस्मोलारिटी है ये हमारी मेड्यूलरी इंटरस्टिशन में होती है, बाकी बॉडी में 300 मिली ऑस्मोल पे ब्लड रहता है। प्रेजेंस ऑफ सच मिली ऑस्मोल पर लीटर, प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प्स इन एन ईजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देयर बाय कॉन्सेंट्रेटिंग द यूरिन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन टू बी रिमेंबर्ड, कॉन्सेंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट यूरिन। इसका बेसिक फंक्शन है कि कॉन्सेंट्रेट करना है फिल्टर को, जो फिल्ट्रेट आया। ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times कॉन्सेंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। जो भी इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है उसको 4 times कॉन्सेंट्रेट करती है ह्यूमन की यूरिन, इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। क्यों है हमें पता है, क्योंकि हम इतना वाटर लॉस नहीं कर सकते। एक बार मैं आपको समअप कर देती हूँ इस चीज़ को, फिर हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। वीडियो इसीलिए थोड़ी सी लंबी है, मैं इसे शॉर्ट में बता सकती थी पर आपको समझ नहीं आता, इसलिए थोड़ा मेरे को टाइम देना पड़ा इसमें। 300 मिली ऑस्मोल से स्टार्ट, पहले यहाँ आप समझ लो 300, 600,
900 एंड 1200 इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन है। ये आपको वासा रेक्टा बताई हुई है, वासा रेक्टा का भी आप समझ सकते हो इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको इसका बताया उसी तरीके से वासा रेक्टा का है, तो आप समझ जाओगे क्योंकि वो काउंटर करंट की बात हो रही है तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ से समझ लो इफ्रंट आर्टेरियोल में गया, ग्लोमेरुलस में गया, इफ्रंट आर्टेरियोल में नहीं जाएगा अभी, पहले अंदर जाएगा, ग्लोमेरुलस में गया, फिर 300, फिर 400, फिर यहाँ पे क्या होता है परमिएबिलिटी है वाटर को तो वाटर इजीली जाएगा लेकिन इम्परमिएबल है आयंस को लेकर ये पार्ट जो है, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे क्या है वाटर के लिए परमिएबल है लेकिन आयंस के लिए नहीं, तो सिर्फ वाटर बाहर बाहर जाएगा क्यों, क्योंकि बाहर कंसेंट्रेशन आयंस की ज़्यादा है तो वाटर उसी तरफ रश करता है। फिर यू शेप आया, फिर वो यू शेप में भी वही होगा लेकिन जब इस साइड आएगा यू शेप के बाद 1200 टू 900 जो है वो रीजन थिन सेगमेंट कहलाता है, ऊपर वाला रीजन थिक सेगमेंट कहलाता है। थिन सेगमेंट में पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है आयंस का, क्योंकि इस साइड हमें आयंस चाहिए ना, हमने वाटर तो निकाल दिया, अब वाटर का काम तो खत्म हो गया, अब आगे देखा जाएगा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक हुआ है तो उस हिसाब से वहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होगी, पर यहाँ का काम हो चुका है। अब हमारा सेकेंड काम ये है, देखो एक चीज़ ध्यान रखना इसमें, मैं बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ इसको क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है मिस्टेकन हो जाती हैं। तो ये चीज़ समझनी है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हमने वाटर निकाला और उसके बाद हमको जो है अब आयंस को निकालना है, और ये यहाँ पे ही करना क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ डीसीटी और उसमें क्यों नहीं हो रही, क्योंकि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट दोनों कंडीशनल हैं ये हमने पढ़ा है। तो ये तो बात की बात है कि वहाँ पर क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा वो डिपेंड करेगा एक पर्सन टू पर्सन पे कि उसने कितना वाटर इंटेक किया है, उस सब पे डिपेंड करेगा। पर यहाँ पे ये चीज़ समझनी इंपॉर्टेंट है कि इनको ये फंक्शन करना ही है, वाटर निकालना और फिर आयन, तो दोनों चीज़ें निकलेंगी, बस आपको याद रखना कि वाटर कहाँ निकल रहा है और आयन कहाँ निकल रहा है। तो वाटर तो यहाँ निकल गया आपका H2O, वाटर निकल गया और इस साइड आपका आयन्स निकल गए जैसे NaCl है, ये दो तरह से निकले, एक तो पैसिव वे में थिन सेगमेंट में और फिर एक्टिव वे में थिक सेगमेंट में, क्योंकि वहाँ पे पंप लगा रखा है नेचर ने NaK का। तो ये हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट है और जो हमारा DCT है उस पर डिपेंड करता है, कंडीशनल है वो, पर्सन टू पर्सन, वाटर इंटेक होगा तो रीअब्जॉर्प्शन होगा, अगर वाटर इंटेक नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझनी होती है और ये चीज़ यहाँ पर इसीलिए हो रही है, PCT में भी होता है और उसके साथ ही साथ जो है लूप ऑफ हेनले में भी होता है, ये यहाँ पर इसलिए हो रही है क्योंकि इसका होना ज़रूरी है। हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा वाटर, हम 4 टाइम कंसनट्रेट करते हैं अपने फिल्ट्रेट को, तो इतना ज़्यादा वाटर इतने ज़्यादा आयंस को नहीं निकाल सकते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब होनी हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।